मंगल देव बाद में हो जाएंगे, बाद में मंगल वृषभ राशि वालों को 16 तारीख से अधिक खर्चीला बनाएंगे। शेयर मार्केट में दिमाग ज्यादा जाएगा, ध्यान रखना नुकसान कर बैठोगे। कोई व्यापार रिस्क करना करना अंधसा हानि होगी, हैं? खास करके भूमि का व्यापार नहीं करना, भूमि के व्यापार करने वालों को हानि हो सकती है, तांबे का व्यापार करने के लिए हानि हो सकती है, विद्युत यंत्रों के लिए हानि हो सकती है। इस प्रकार से मंगल देव बाद में हानिकारक होते हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए होते हैं। और साथ साथ में आपके जो है तो सूर्य देव आपकी राशि से चतुर्थ हो जाएंगे। चतुर्थ सूर्य क्या करेंगे, आपके जो है सो सुख शांति छीनने वाले हैं, शांति का अभाव रहेगा, अशांति बढ़ सकती है, परिवार में झंझटें हो सकती हैं, डाढ़ दांत के आपको कष्ट हो सकते हैं, डाढ़ का कष्ट हो, दांत का कष्ट हो, ये भी आपको संभव है। इस प्रकार से सूर्यदेव और बुधदेव भी आपके चतुर्थ हो जाएंगे, तो व्यापार में वृद्धि होगी और कर्म क्षेत्र में जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा शुभ अवसर है। और गुरुदेव भी आपकी राशि से वृषभ राशि से गुरुदेव नवम रहेंगे। नवम गुरु क्या करने वाले हैं, नवम गुरु भाग्य वृद्धि कराने वाले हैं, धार्मिक कार्य अच्छे करेंगे, सुख शांति अपने शरीर में भी होगी, मधुरता रहेगी और व्यक्तित्व का प्रभाव रहेगा, संतान जीवन के लिए उत्तम प्रभावशाली रहेंगे। और शनिदेव आपकी वृषभ राशि से नवमें भाग में रहेंगे, इसलिए कर थोड़ा सा लाभ में अकारण या तो आकस्मिक नुकसान हो सकता है, लाभ में हानि हो सकती है। लाभ में हानि होने के साथ साथ पराक्रम की सिद्धि में थोड़ा सा प्रमाद होगा और छोटे भाई बहनों को कष्ट भी हो सकता है। और साथ साथ में आपके जो है सो लोगों को विनाश करने वाला है, कर्जदार आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कर्ज की मात्रा बढ़ रही है। इस प्रकार से आपको आपकी राशि से चंद्रदेव उस दिन क्या रहेंगे, चंद्रदेव इस सप्ताह में प्रथम दिन ही आपको अच्छे रहे हैं, लेकिन मध्य का सप्ताह आपका ठीक नहीं रहेगा और अंत भी ठीक रहेगा, प्रारंभ में ठीक नहीं रहेगा, मध्य का ठीक नहीं है। इस प्रकार राशि भविष्य आपका वृषभ राशि वालों के लिए मिला जुला फल देने वाला रहेगा। हरिओम।